हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह आदर्श स्टेडियम में आयोजित। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। बाड़मेर स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह रविवार को आदर्श स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्व, उपनिवेशन, कृषि, सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री हरीश चौधरी ने प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। आज का दिन हमें आज़ादी दिलाने वालों को याद करने का है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बेहतरीन है। हमें संविधान की मूल भावना के साथ अनुरूप देश को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि युवा लक्ष्य और हौसले के साथ योग बनकर हर क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्होंने सभी से कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह सहित स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियां पढ़ें, देश के प्रति भावनाओं में बढ़ोतरी होगी। राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि बाड़मेर जिला हर दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ रिफाइनरिंग एवं तेल दोहन कार्य के साथ ऊर्जा के स्रोत बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में बड़ी परियोजनाओं के लिए सोच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान तमाम चिकित्सा कर्मियों, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भामाशाह एवं आमजन के सहयोग से कोरोना पर विजय प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि ILI सर्वे के माध्यम से गंभीर मरीजों के उपचार के साथ घर घर किट पहुंचाकर कोरोना की कड़ी को तोड़ा गया। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों, पुलिस एवं प्रशासन एवं मीडिया कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर कार्य किया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर के किसानों ने टिड्डी नियंत्रण में सोच को बदलते हुए रात में भी टिड्डी पर नियंत्रण किया। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन के क्षेत्र में बाड़मेर में 1 लाख से ज्यादा टैंकों का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में इस बार परेड कमांडर SI भवराराम के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला पुलिस, अर्बन होमगार्ड एवं NCC सीनियर की टुकड़ियां परेड में हिस्सा लिया। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्रोही द्वारा महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन किया गया। पुलिस विभाग के बैंड दल द्वारा बैंड वादन की प्रस्तुति के बाद योग शिक्षक पदम सिंह और महिपाल कमेडिया के निर्देशन में बालेरा गाँव की बालिकाओं द्वारा योग का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जिले के शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इसी कड़ी में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वालों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके बाद व्याख्यातनाम अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार स्वरूप पवार और बिहारी पवार द्वारा देशभक्ति गीत ऐसा देश है मेरा की प्रस्तुति दी गई। इसी कड़ी में दिव्यांग बाल कलाकार स्वरूप माहेश्वरी द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार पद्मश्री अनवर खां और फकीरा खां भाद्रेश एंड पार्टी द्वारा साहिब जी मेरा रिमझिम बरसे मेह प्रस्तुत किया गया। इसी कड़ी में फकीरा खां विशाला और दीप सिंह भाटी द्वारा कोरोना जागरूकता लोक गीत कोरोना रा टीका लगवाओ प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जिले के मोतीसरा, जसोल, कमोका बाड़ा एवं सनावड़ा के गैर दलों द्वारा आकर्षक गैर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। मुख्य समारोह के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान परेड तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली झांकियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्य समारोह के दौरान योग प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को विधायक मेवाराम जैन की ओर से 11,000 रुपए एवं जिला प्रशासन की ओर से 5100 रुपए का नगद पुरस्कार, ऑक्सीजन टैंकर खाली कराने में सहयोग देने वाली मिस्त्री रमजान को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की ओर से नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य समारोह के दौरान योग प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को विधायक मेवाराम जैन की ओर से 11,000 रुपए एवं जिला प्रशासन की ओर से 5100 रुपए का नगद पुरस्कार, ऑक्सीजन टैंकर खाली कराने में सहयोग देने वाली मिस्त्री रमजान को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की ओर से 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार तथा विभिन्न कार्यक्रमों के कलाकार तथा गैर दलों को जिला प्रशासन द्वारा नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। अंत में राष्ट्रगान के साथ प्रातः कालीन कार्यक्रम समाप्त हुआ। समारोह में विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति दिलीप माली, जिला कलेक्टर लोक बंधु, जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्रोही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नु, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह समेत पुलिस प्रशासन, BSF, सेना, वायुसेना के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जिले के शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रातः काल कार्यक्रम की कमेंट्री डॉक्टर बंशीधर तातेड़, रामकुमार जोशी एवं सह आचार्य मुकेश पचौरी द्वारा की गई। स्वतंत्रता दिवस पर जिला कलेक्टर में जिला कलेक्टर लोक बंधु ने ध्वजारोहण किया एवं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास रिपोर्ट।